our reading. Today we are going to start unit number 5, danger, and our topic is fire. First of all, we will do words, meaning and sentences. Our first word is camping. That means spend holidays in tents. Camping बोलते हैं छुट्टियां जो हैं वो tents या खेमों में गुजारना. Sentence is Syed is camping with some of his friends. Syed अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग कर रहा है. सेकेंड वर्ड इज फील, यूज, टच इन, सर्चिंग. फील करते हैं महसूस करने को, किसी चीज को मतलब महसूस करते हुए ढूंढना. सेंटेंस, यू शुड गेट अ फील ऑफ द एरिया बिफोर मूविंग इन. तुम इस इलाके को जरूर जो है वो महसूस करोगे इससे पहले कि तुम इसमें हरकत करो. थर्ड वर्ड इज क्रूक, दैट मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर और टन. क्रूक बोलते हैं किसी चीज के खराब होने को या मोड़ने को भी बोलते हैं. शी हेल्ड द बेबी इन द क्रूक ऑफ हर आर्म. उसने अपने बाजू में मतलब बाजू को मरोड़ते हुए जो है उसने उसमें बच्चा उठा लिया. दैट मीन्स स्टूपिड, दैट शिट इज ड्यूप. ये एक थोड़ा कैजुअल लैंग्वेज में सेंटेंस है, ये दैट शिट इज ड्यूप, ये बहुत बेवकूफ है. सर्च बाय फीलिंग, क्रूक बोलते हैं किसी मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे कम रोशनी हो तो आप वहाँ पर चीजों को महसूस करते हुए ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं सर्च बाय फीलिंग. साया इज ग्रुपिंग हर स्टोरी बुक. साया अपनी कहानी की जो किताब है उसको महसूस करते हुए वो ढूंढ रही है. क्राई आउट, जैकल्स हाउल इन द इवनिंग. भेड़िए डीदर शाम में चिल्लाते हैं या चीखते हैं. स्टम्बल, क्लम्सी वॉक. स्टम्बल बोलते हैं लड़खड़ाते हुए चलना. दे स्टम्बल्ड बैक डाउन द ट्रैक टुवर्ड्स टिल्ले. वो टिल्ले की जाने जाते हुए ट्रैक से जो रास्ता है वो उससे वो लड़खड़ा गए, नीचे को लड़खड़ा गए. स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल बोलते हैं हरी और टू थॉरली कंबाइन या किसी चीज को जो जोड़ना. आई स्क्रैम्बल्ड सम एग्स विद स्पिनच एंड चीज. मैंने अंडे पालक स्पिनच और चीज के साथ जो है वो मिलाकर जो है वो अंडे बना. ठीक है, एंड आवर लास्ट वर्ड इज हग, एम्ब्रेस, पुट आर्म्स अराउंड. हग बोलते हैं गले लगाने को. माई फादर हग मी टाइटली. मेरे वालिद ने मुझे बहुत जोर से गले लगा लिए. ओके, क्लास में आपके वर्ड मीनिंग सेंटेंसेस थे. इस लेसन वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी पर जो है नीट करके लिखें और इस लेसन को रिवाइज करें, उसकी प्रैक्टिस करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.